दोस्तों आप जब भी अपने गेम के अंदर कोई टॉप अप करने जाते हो, या फिर अगर आपका गलती से बाय चांस गूगल प्ले रिडीम कोड का रिचार्ज हो गया है 4,000-5,000 का, जब आप वहाँ पर ऑर्डर लगाने जाते हो या फिर किसी चीज़ को परचेज करना चाहते हो, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता होगा और वहाँ पर लिख के जो एरर आता है वो आता है योर ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कम्प्लीटेड। उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा मोर डिटेल, तो आपको क्या है कि फिर समझ में नहीं आता कि भाई अब आके हमें करना क्या है और इस एरर को कैसे हमें सॉल्व करना है। वीडियो पूरा देखना, आखिरी तक देख लेना, ताकि आपको सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस एरर को कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप में भी ऐसा आ रहा है योर ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड, तो इस एरर को हम जस्ट अ सेकंड हम कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि दूर कर सकते हैं। सो यार वीडियोज़ पूरा देखना, अगर वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है मेरे भाई, तो जल्दी से के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहां पर ढेर सारा गिव अवे होता रहता है एंड ढेर सारा यहां पर हम आपको गूगल प्ले रिडीम कोड का गिव अवे करते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आज की वीडियो में बताते हैं कि अगर आपका ये एरर आता है योर कैन नॉट बी कंप्लीटेड का, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। वीडियो पूरा स्टेप बाय देख लेना, ऑर्डर लगाने जाते हो तब भी ये एरर आपको देखने को मिलता है, और अगर आप किसी गेम के अंदर परचेज करने जाते हो तब भी ये एरर आता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने प्ले स्टोर में जाना, ठीक है। प्ले स्टोर में जाने के बाद होता क्या है कि आपके पास 4,000-5,000 का गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड बन गया है, यानी कि गूगल प्ले रिडीम कोड बन गया है। तो क्या करना है, सबसे पहला तरीका आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने फोटो वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखो ये आपका फोटो वाला जो आइकन है, इसी पर आपको टैप करना है, इस वाले पर, ठीक है। इस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन आ गए हैं। अब आपको नहीं पता है तो आप इसमें से ऑप्शन ढूंढते रह जाएंगे, बट मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन गाइस दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है मैं आपको बता देता हूँ, पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन का। ये देखिए ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है गाइस, इसी ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है, ठीक है। अभी मैंने टैप कर दिया, अब यहाँ पर गाइस देखो इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन वाला यहाँ पर दिख रहा होगा, बजट एंड हिस्ट्री का, कहाँ पर, बजट एंड हिस्ट्री, इस वाले ऑप्शन पर आपको टैप कर देना है, ठीक है। अब मैंने टैप कर दिया, अब यहाँ पर गाइज क्या कर रहा है, देखो ध्यान से सुनना है। यहाँ पर गाइज अपने बजट आपका यहाँ पर 00 होगा, मैं बता देता हूँ कैसे होगा, आपका यहाँ पर 00 होगा, यहाँ पे मैं 00 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ एंड मतलब या फिर 1 कर देता हूँ, जो भी है सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब सेव कर दिया, अब आपका यहाँ पर जो बजट है वो सिर्फ 1 रुपये का होगा, यहाँ पर 1 रुपये का, यानी कि 1 रुपये से अगर ज़्यादा ऐड करोगे अपने प्ले स्टोर में तो वो ऐड नहीं होगा, वो इस तरह का एरर बताएगा योर ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड। तो हमें पहला स्टेप यानी कि सबसे फर्स्ट स्टेप जो करना है वो यहाँ पर आना है। सबसे पहले अगर आपका ऑलरेडी अगर है तो यहाँ पर बजट को रिमूव कर देना है, ठीक है। एंड रिमूव करने के बाद यहाँ पर आपको बजट हिस्ट्री आपकी रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखा होगा आपका सेट बजट, यहाँ पर लिखा होगा सेट बजट, ठीक है गाइज। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ, सेट बजट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप अगर आपके पास 4,000 है तो यहाँ पर आपको 10,000 करना है, देखिए, ठीक है। और अगर आपके पास 10,000 का गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड है तो यहाँ पर आपको 1,00,000 कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही सेव करोगे गाइस तो कुछ देखो यहाँ पर पूरा का पूरा 1,00,000 का यहाँ पर बन गया है, और अभी तक हमने जो स्पेंड किया है वो 2130 रुपये यहाँ पर स्पेंड किया है, यानी कि जुलाई के महीने में। तो अगर अब हम कोड को रिडीम करने जाएंगे तो मेरा कोड आसान तरीके से रिडीम हो जाएगा, मुझे कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अभी भी अगर नहीं सही हो रहा है तो सेकंड स्टेप भी आपको करना है। सेकंड क्या स्टेप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बैक जाना है, यहाँ पर देखो इतने सारे ऑर्डर्स गाइस हमने लगाए हैं, देखो यहाँ पर जितने ऑर्डर्स यहाँ पर देखो, ये सारे के सारे हमारे एप्लीकेशन के थ्रू हैं, जितने भी ऑर्डर्स हैं ये सब के सब हमारे एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। अब देखो बैक जाना है, बैक जाने के बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है हेल्प एंड फीडबैक। यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिखा होगा साइड में, आपको दिखेगा हेल्प एंड फीडबैक में जब हम जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ कॉन्टैक्ट अस, इस वाले बटन पे आपको टैप कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप टैप करोगे तो आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको यहाँ पर ये जो ब्लैंक्स दिख रहा है, इस ब्लैंक्स वाले बटन पे आपको टैप करना है, और यहाँ पर आपकी वो क्वेरीज लिखनी है जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा कोड जो है वो एरर आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे योर ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कम्प्लीटेड। सो यहाँ पर आपको टैप कर देना है योर, उसके बाद आपको ये सही से लिखना, योर ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कम्प्लीटेड, ओके, यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर टैप नेक्स्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद
अब यहाँ पर देखो आपके लिए ऑप्शंस यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर इशूज आ गया है, यहाँ पर इशू विद प्ले बैलेंस, उसके बाद यहाँ पर आ गया है परचेज नॉट कंप्लीटेड, या फिर इशू विद गूगल गिफ्ट कार्ड कंट्री, या फिर यहाँ पर बाई विद गूगल प्ले बैलेंस, या फिर अदर। तो इसमें से जो भी है अगर आता है तो आप यहाँ पर टच कर सकते हैं, अदरवाइज अदर पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम अदर पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ नेक्स्ट ऑप्शन अभी इनेबल हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट वन, इस सेलेक्ट वन वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। यहाँ पर आपको कौन सी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है उस पर टैप कर देना है, जैसे कि मुझे गूगल प्ले गूगल बैलेंस एंड गिफ्ट कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है, सो इस पर मैं टैप कर दूंगा। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर क्या करना, नेक्स्ट वाले बटन, इस वाले नेक्स्ट बटन पर आपको टैप कर देना है। ये जो आपको नेक्स्ट बटन दिख रही है, इसी नेक्स्ट वाले बटन पर आपको टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करोगे गाइस, तो यहां पर देख सकते हो ये ऑप्शंस आपके यहां पर सारे के सारे इनेबल हो चुके हैं। योर ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड, गूगल हेल्प, यहां पर प्रॉब्लम विद इन परचेज एप्लीकेशन, फिक्स प्रॉब्लम व्हेन यू रिडीम गिफ्ट कार्ड, ये सारे ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। अब यहां पर फिर से आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहां पर लिखा हुआ नेक्स्ट स्टेप, सो नेक्स्ट स्टेप पे मुझे टैप कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप हम गाइस करेंगे, सो यहां पर देखो क्या क्या ऑप्शन, यहां पर ये भी मेरा ग्रीन हो गया, ये भी मेरा ग्रीन हो गया है, एंड थर्ड स्टेप यहां पर आता है कॉन्टेक्ट ऑप्शन का। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट मुझे चैट करना किससे, गूगल से। और यहां पर अगर बाय चांस चैट का जो प्रोसीजर होता है वो सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक होता है, 5 बजे के बाद इनका जो चैट ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाता है, तो आप 24 घंटे इनसे मेल के थ्रू बात कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, चैट वाले ऑप्शन पे हम टैप करेंगे, और टैप करने के बाद थोड़ा सा हमें वेट करना है। अभी ये हमें चैट का ऑप्शन देगा या फिर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए पहले बोलेगा। सो मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरना है, यहाँ पर फर्स्ट नेम सेकंड नेम आपका डाल देना है, देन यहाँ पर आपको गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड कोड डाल देना, वही कोड डालना है जो आपका कोड में रिचार्ज हुआ है, और सही सही डालना है। ठीक है, सो यहाँ पर सही सही आपको डाल देना है, एंड उसके बाद गाइस आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको देगा, ये 16 डिजिट का होता है, ध्यान रहे। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर डिस्क्राइब योर इशू, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई मेरा आ रहा है योर ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड, योर ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो मैं यही इशू यहाँ पर मैं डालूंगा। ठीक है, कैन नॉट बी कंप्लीटेड, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कैन नॉट बी कंप्लीटेड। ओके, यहाँ पर देखिए इस तरह का डाल देना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम इस तरह का जो मैं बता रहा हूँ सेम यही प्रॉब्लम, आप यही चीज़ आपको करनी है, 100% आपको सोल्यूशन मिलेगा मेरे भाई। और आपका जो भी रिचार्ज नहीं हो रहा है, या फिर आपका ऑर्डर नहीं लग रहा है, या फिर गेम में आप कोई चीज़ें परचेज नहीं कर पा रहे हैं, 100% ये दोनों काम होंगे। आप अपने गूगल प्ले बैलेंस को कन्वर्ट करने जाते हैं तब जो इशू आता है वो भी इशू सॉल्व हो जाएगा, और अगर गेम में कुछ परचेज करना चाहते हैं तो वो परचेज भी हो जाएगा। यहाँ पर गाइज अपनी ट्रांजेक्शन आईडी डालनी, यानी कि पेटीएम में जब आपने रिचार्ज किया होगा गूगल प्ले का, तो वहाँ पर एक ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट हो जाती है जो कि लगभग 18 से 20 की होती है। तो यहाँ पर आपको इस तरह का टाइप कर देना है। अब यहाँ पर ऑप्शन इनेबल हो गया सबमिट का, इसी सबमिट वाले ऑप्शन में हमें टैप कर देना है, एंड टैप करने के बाद गाइज अब मुझे ये रिडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे जानते हो, यहाँ पर मुझे अभी जस्ट अ सेकंड थोड़ी देर बाद यहाँ पर मुझे मेरी चैट जो है वो इनेबल हो जाएगी, और यहाँ पर देखो डायरेक्ट हम गूगल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ हाई टेक्निकल संजय, वेलकम टू योर गूगल प्ले सपोर्ट, माई नेम इज नोरा, इन केस यू नीड टू रेफर टू दिस चैट इंट्रीगेशन इन दिस फ्यूचर, योर सपोर्ट आईडी इज इतना है, और उसके बाद हाउ कैन हेल्प यू टूडे। सो यहाँ पर डिस्क्राइब करना है कि हाय सर, उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको टैप करना है माई प्रॉब्लम्स इज, यहाँ पर देखो सही से टैप करना मेरे भाई, माई प्रॉब्लम इज माई गूगल गिफ्ट कार्ड, ठीक है, क्रिएटेड अ प्रॉब्लम, ठीक है, क्रिएटेड क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है, इस तरह का आपको टैप करना, सही से लिखना है प्रॉब्लम, योर ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी, योर ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी, ठीक है, यहाँ पर इस तरह का आपको कर लेना है, कैन नॉट बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर भेज सकते हैं। उसके बाद गाइज गूगल आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन यहाँ पर आपको 100% मिल जाएगा, और विद इन 5 मिनट्स के अंदर जैसे ही आपकी यहाँ पर चैट कंप्लीट होगी देन आपका इनेबल हो जाएगा, और भाई 100% आप जो है यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स आपकी आती है ना वो सॉल्व हो जाएगी। अब आपका कोड जो है वो 100% वर्किंग हो जाएगा, और आसान तरीके से गाइज अब आप अपने कोड को रिडीम भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर परचेज करना चाहते हो तो परचेज भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके लिए इनेबल्ड हैं, अगर इस तरह आप करते हो तो जेन्युइन तरीके से आपका फ़ायदा भी होगा, और गाइज 100% जो है
आपको रिप्लाई भी मिलेगा। तो ये गूगल की तरफ से आपको रिप्लाई मिलेगा, डायरेक्ट गूगल टीम जो है वो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी और आप फिर आसान तरीके से ऑर्डर भी लगा सकते हो। और साथ ही साथ अगर गेम में कुछ चीज़ें परचेज करना चाहते हो, नहीं परचेज कर पा रहे थे, अब आप आसान तरीके से अपने गेम्स के अंदर परचेज भी कर पाओगे और आपका जो कोड है वो 100% वर्क भी करेगा, किसी तरह का एरर नहीं बताएगा। तो गाइस आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।